तस्वीर पर 4 तारीख को जनादेश सामने होगा, लेकिन उससे पहले मेगा एग्जिट पोल की तस्वीर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को लेकर ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों को लेकर। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां 29 लोकसभा सीटें हैं, 26 से 29 पर रह सकती है बीजेपी। और नेता बता रहे हमीरपुर में अनुराग ठाकुर आगे, अमित शाह गांधीनगर से आगे, ये बड़े नाम बड़े चेहरे। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी प्रत्याशी आगे रह सकते हैं, यानी कि जीत सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान यहां जीत रहे हैं ये कहा जा रहा है, 4 तारीख को साफ होगा, लेकिन उससे पहले अनुमान एग्जिट पोल बता रहा है राहुल गांधी वायनाड से आगे रह सकते हैं। वायनाड रायबरेली 2 सीटें, राहुल गांधी जहां से उतरे हमीरपुर से, अनुराग ठाकुर बीजेपी से आगे। किस किस के बीच, गुना में यादवेंद्र यादव को, यहां यादव वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए उतारा कांग्रेस पार्टी ने, सामने कौन, ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन इस मुकाबले में सिंधिया को बढ़त दिखा रहा है मेगा एग्जिट पोल, यानी कि महाराज पर विश्वास दिखाने का अनुमान। पिछली बार केपी यादव से हार गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, और उसी को ध्यान में रखते हुए, यादवों को ध्यान में रखते हुए ही यहां उतारा था यादवेंद्र यादव को कांग्रेस पार्टी ने। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, मेहमानों का रुख कर लेते हैं यहां पर। अभिनव जी आपके ही पास आऊंगी मैं। जी पूछिए, आवाज आ रही है आपको? जी जी आपकी आवाज आ रही है। गुना सीट पर कांग्रेस ने समीकरणों को तोलते हुए मापते हुए यादवेंद्र सिंह पर दाव लगाया था, महाराज वर्सेस लड़ाई, पहले महाराज वर्सेस राजा की लड़ाई हो सकती है ये कहा जा रहा था, लेकिन फिर यादवेंद्र सिंह वहां उतरे मैदान में। समीकरणों को देखते हुए तो ये दाव चला गया, लेकिन मेगा एग्जिट पोल की तस्वीर ये बता रही कि गुना में यादवेंद्र पिछड़ गए। नहीं देखिए, ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि महाराज को प्रजा हराएगी। अब आप महाराज कह रही हैं तो महाराज तो खैर अब वो जमाना चला गया जब ये सब सारी चीज़ें चलती थी। अब जनता जो है वो, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, जनता ने अपना एग्जिट पोल दिया है। अब ठीक है, आप या जो ये जो बैठे हैं एनालिसिस कर रहे हैं, मेरे को नहीं मालूम ये किस पार्टी के हैं, जिस भी पार्टी के समर्थन में बोल रहे हैं कि कांग्रेस को ये गेन नहीं होगा, कांग्रेस को लॉस होगा, चारों तरफ लॉस होगा, साउथ में भी गेन करेगी बीजेपी, तो ये सब बातें जो हैं ये एक मतलब हम काल्पनिक बातें कर रहे हैं, मतलब सब कुछ काल्पनिक है, कुछ हुआ तो है नहीं ऐसा अभी। तो इन काल्पनिक बातों का मुझे लगता है, ठीक है एंटरटेनमेंट करने के लिए बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन जनता जो है वो एंटरटेनमेंट को बर्दाश्त नहीं कर रही है। ये जो भी एंटरटेनमेंट चल रहा है वो जनता अपने घर में बैठ के देख रही है, और जनता को ये समझ में आ रहा है कि ये जो उनका एग्जिट पोल है उससे मेल नहीं खा रहा है। अच्छा। जनता अपना मन बना चुकी है, किसान अपना मन बना चुका है, कर्मचारी अपना मन बना चुका है, महिला अपना मन बना चुकी है, युवा जो बेरोजगार सड़कों पर है और जो लगातार परेशान है वो अपना मन बना चुके हैं, और उनका एग्जिट पोल 4 तारीख को आपके सामने होगा। तो मेरा इतना कहना है कि हम मन माफिक, ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए आप बहुत अच्छे से बातें कर सकते हैं, खूब हो हल्ला कर सकते हैं, खूब चिल्ला चोट कर सकते हैं, लेकिन जनता की भावनाओं को भी समझना बहुत जरूरी है। अभिनव जी, पहली बात तो जिनके लिए आपने कहा कि वो जो कौन सी पार्टी से हैं वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और जब 2023 के विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय भी वो लगातार हमारे साथ डिबेट में आते रहे, पहली बात। दूसरी बात, उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने 3-3 सर्वे कराए थे, गदगद थे कांग्रेसी, क्योंकि मैं उस समय मध्य प्रदेश में ही आई हुई थी और भोपाल में कांग्रेस दफ्तर भी मैं जाना हुआ था। मैंने बताया, बात करने की कोशिश की कि जमीन के मुद्दे क्या है, उन पर जनता क्या सोच रही है, लेकिन कहा नहीं हम तो जीत रहे हैं, एडवांस में पोस्टर छपे वो लग भी गए थे, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ वो सबके सामने है, और अब की बात भी मैं मान रही हूं कि अनुमान है, 4 तारीख को तस्वीर सामने होगी, लेकिन समीकरण, मायने, मुद्दे, आवाम का मन टटोलने की कोशिश वो सबने की, और मैं करीब 1 महीना रही इस दौरान मध्य प्रदेश में भी, वहां पर भी जाके हमने जाना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। खैर, और इसी बात पर यशपाल जी कुछ कह रहे हैं। जी यशपाल जी, आऊंगे विनव जी आपके पास। मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा बस, मैडम बस एक छोटी सी बात, बोलिए विनव जी, 30 सेकंड में कह दूंगा मैं, ठीक है बोलिए 30 सेकंड में जी।
मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, पिछले 8 महीने में 7 राज्यों में चुनाव हुए अर्पिता जी, उसमें आपने देखा होगा। अगली बार आपका नाम मैं बोलूंगी। नाम लिख लीजिए अर्पिता जी का। तीन राज्यों में कांग्रेस जीती, कर्नाटक हिमाचल प्रदेश लगातार बड़ी जीत जीते हम, तेलंगाना में जीते हम। तो देखिए ऐसा नहीं हो गया कि बहुत बड़ा ब्लंडर बीजेपी जीत गई हो। हाँ, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान हार गए हम, हमने एक्सेप्ट किया, कहीं ना कहीं गलती हुई होगी, हमारा वोट परसेंट कम नहीं हुआ। तो इतना बड़ा मार्जिनल 5 साल में जितना अभी जो निकला है टेनवर मोदी जी का, उसमें जनता ने भापा है, सारी चीजें देखी है कि कौन कितने वादे पूरा कर रहा है नहीं कर रहा है। तो हम जहां पर खड़े नहीं उतरे वहां हार गए, और जहां पे हमने जीता कर्नाटक तेलंगाना हिमाचल सामने, तो 8 महीने में तीन हम जीते। एग्जिट पोल में वहां भी विपरीत आया ना रिजल्ट, कर्नाटक में जीते आप लोग, सरकार बनाई आपने, तेलंगाना में सरकार बनाई आपने। मैं वही तो बता रहा हूँ, अभी भी तो 4 तारीख को सामने आई ही चीजें। तो मैं वही कह रही हूँ कि बात तो उस समय भी हुई थी ना, 4 तारीख को, ये तो नहीं कि किसी ने मुंह बंद कर लिया कि नहीं नहीं कर्नाटक में जीत रही कांग्रेस लेकिन हम चुप रहेंगे, ये तो नहीं हुआ था। समय हमको भी मिलेगा, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनाई है, हमने बनाई, पूछा सवाल बीजेपी प्रवक्ताओं से। जी यशपाल जी, मैं कह रहा था अर्पिता जी, एक तो मुझे समय कम मिला, तकनीकी कुछ त्रुटि हो गई थी, उसके कारण से मैं बात पूरी रख नहीं पाया था। देखिए जहां तक हम समझ पा रहे हैं, और आपने जिस प्रकार से एग्जिट पोल में आंकड़े दिए हैं, ये मोदी की गारंटी है अर्पिता जी, विपक्ष का प्रोपेगेंडा नहीं है, और विपक्ष तो प्रोपेगेंडा लेकर के चल रहा था। देखिए देश जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगा, और कांग्रेस ने जातिवाद के आधार पर, जनगणना के आधार पर वामपंथी विचारों को लेकर के माइंड सेट किया। अर्पिता जी ये बात भी मानना पड़ेगी, स्वीकार करना पड़ेगी कि मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग बीपीएल की सूची से बाहर आए, पूरे देश भर में लाभार्थियों के खाते में 31 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में गए हैं। और अर्पिता जी मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने किस पर विश्वास भरोसा किया, कांग्रेस ने तो सबकी आलोचना करी, मैंने आपकी पूरी बात सुन ली है, मेरी बात सुन लीजिए, ईवीएम को दोषारोपण देना, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को दोषारोपण करना, पार्लियामेंट में मिमिक्री करना, पार्लियामेंट से भाग जाना, मीडिया को दोषी करार देना, एजेंसियों पर विश्वास नहीं करना, न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं जताना, संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को स्वीकार नहीं करना, यहां तक कि मोदी जी के पिछले 2 दिनों के ध्यान पर भी कांग्रेस ने आलोचना करी है। अब कांग्रेस तो आलोचना में ही मर गई, और इसी कारण से 100 से नीचे और भारतीय जनता पार्टी 400 से ऊपर बढ़त लिए हुए है, और कांग्रेस में डर था इसीलिए मीडिया के सामने डिबेट में आने से कांग्रेस का। अभिनव जी आपकी पूरी बात सुनिए, पूर्व विधायक, एक तो आप अर्पिता जी को नाम नहीं जान रहे, क्या बोल रहे हैं, मर गई, आप कौन सी डिबेट में बैठे हो, अभिनव जी आप अर्पिता जी को नहीं जानते, आप संजय जी को नहीं जानते, आगे लेकर के बैठ कर संयम बनाकर रखे और शब्दों की मर्यादा का पालन करें, ठीक है, मेरी बात तो सुनिए, नाम में कंफ्यूजन हो रहा है, उसी में आप खुश हो रहे हो कि मैं इनको नहीं जानता, इनको नहीं जानता, संजय जी को नहीं जान रहे हो, मुझे लगता है पहली बार बैठो, मैं 4 बार का विधायक बोल रहा हूँ, 3 चुनाव जीता हूँ, मैं वापस लीजिए आप, पेरू पार्टी का, ये कांग्रेस मर गई, कैसे बोल रहे हैं आप, जी का नाम ही गलत बताओ, ये कैसे बोल रहे हैं आप, कांग्रेस मर गई, मेरा कहना है अर्पिता जी, और आप सुनेंगे अर्पिता जी, मेरा कहना है कि कांग्रेस डर के कारण से, हार के कारण से मीडिया के सामने सर्वे की एग्जिट पोल रिपोर्ट को लेकर के सामने आने से कतरा रही थी, मीडिया का बहिष्कार कर रही थी, और आज ठीक है शब्दावली को ठीक करिए अभिनव जी, यशपाल जी, क्योंकि हमें स्काइप से कनेक्टिविटी से अभिनव जी आवाज का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, अभिनव जी 70 मूर्ख दृष्टि से किसी को फायदा नहीं होता है, कांग्रेस डरी हुई है, कांग्रेस बिखरी हुई है, अच्छा ठीक है, आप कोई डरा नहीं है, छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं, सभी मेहमानों से विनम्र निवेदन है कि प्लीज शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए, मत बोलिए इस तरह की बातें, ठीक है, 4 तारीख को तस्वीर सामने होगी तब भी हम बात करेंगे, 4 तारीख को 412 छत्तीसगढ़ की बात करते थे, उससे पहले डॉक्टर अमन सिंह ने क्या कहा है वो सुनवाते दर्शकों को, ये बोलते हुए कि जिस बात को लगातार हम लोग बोलते रहे हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में, हमारे पूरे हिंदुस्तान के नतीजों के बारे में, मोदी जी के गारंटी के बारे में, आज वो प्राथमिक दृष्टि से एग्जिट पोल में 100% खरा उतर रहा है, दक्षिण में जिस धमाकेदार बढ़त की ओर भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की है
मुझे लगता है कि दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम ये सभी क्षेत्रों में ये कंटिन्यूस बढ़त रहेगी। आज ठीक है कि एग्जिट पोल है 4 तारीख के नतीजे में, मगर निश्चित रूप से इसका पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन दिखेगा और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपने सहयोगियों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। तो निश्चित रूप से जो हमारा नारा है अब की बार 400 पार, ये पूरा होने वाला है और छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और 4 जून के परिणाम के बाद नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये